गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको ऊंट का घोषणा पत्र के बारे में आपको पढ़ाए थे, तो ऊंट के घोषणा पत्र में जो सिफारिशें उन्होंने की थी, पत्र में जो सिफारिश किया था उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आठ ऐसे बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा कर चुके हैं। वो बिंदु कौन कौन से उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे पिछले वाले वीडियो में उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पहला बिंदु उन्होंने इस पर सिफारिश किया था, और दूसरा ये है कि पाठ्यक्रम विषय पर उन्होंने जो है सिफारिश किया था, ये दूसरा बिंदु उन्होंने रखा था पत्र में, और तीसरा आपका जो है शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इस बिंदु पर उन्होंने सिफारिश किया था, जन शिक्षा विभाग पर उन्होंने सिफारिश किया था, और उसके बाद जो है विश्वविद्यालय के बारे में जो है सिफारिश किया था कि ऐसे जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जहाँ पर मतलब उच्च शिक्षा के बारे में सिफारिश किया कि हमारे यहाँ मतलब भारतीय जो है जो बालक हैं उनके लिए उच्च शिक्षा की भी बात उन्होंने की कि इसके लिए भी हमें विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, और आपका इसके बाद क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने के बारे में उन्होंने सिफारिश किया था पत्र में, और जो है सार्वजनिक जो है शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने इस पर सिफारिश किया था, और फिर अनुदान आयोग के बारे में बात किया था कि सहायक अनुदान देने की बात के लिए सिफारिश किया था, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी शिक्षा और जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए कुछ अनुदान देने की बात उन्होंने जो उस पत्र में लिखा था कि इसके लिए हमें कुछ सरकार से या धनी वर्ग के लोगों से जो है कुछ अनुदान कुछ भत्ता मतलब मिल जाएगा, तो इससे उनका जो है शिक्षा और सुलभ और सरल बन जाएगा, इसके लिए भी जो है उनके घोषणा पत्र में सिफारिश किया गया था। और उसके बाद इतने ही सिफारिश मतलब इन्हीं बिंदुओं पर हमने आपको जो है चर्चाएं की थी। अब अगले बिंदु क्या है इसके बारे में जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका घोषणा पत्र जा रहे हैं। तो अगली बिंदु हमारा क्या है, अध्यापकों का प्रशिक्षण। नवा हमारा बिंदु क्या था, अध्यापकों का प्रशिक्षण। इस पर जो है इन्होंने कहा, इस पर भी इन्होंने सिफारिश किया था घोषणा पत्र में यह कहा था कि अध्यापकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, तो इस पर किसके समान जो है प्रशिक्षण होना चाहिए, किस देश के समान प्रशिक्षण होना चाहिए, विद्यालयों की स्थापना होना चाहिए, जो है जो अध्यापक जो है पठन पाठन की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे उसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जो है भारतीय लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए सिफारिश किया था अपने जो है पत्र में। तो उस पत्र में उन्होंने कहा कि जो है अध्यापन के स्तर के उच्च स्तर को उठाने के लिए उच्च स्तर पर उठाने के लिए घोषणा पत्र में सिफारिश की, कहा कि इंग्लैंड के समान जो है भारत में भी प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए जिससे कि बच्चों का भविष्य सुधर सके। मैं कहने का मतलब उस पत्र में यह चीज़ें लिखा था कि इंग्लैंड के समान मतलब इंग्लैंड में जिस प्रकार से जो है प्रशिक्षण मतलब पहले पढ़ाने से पहले पठन पाठन को संपन्न करने से पहले क्या किया जाता है,
करने जो है प्रशिक्षित करके तभी वह विद्यालय में जाकर अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को संपन्न कराते थे, क्योंकि अध्यापन और जो है अध्यापक जो प्रशिक्षण करने के लिए विद्यालय में जाते थे तो वहाँ प्राथमिक स्तर पे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उन्हें सिखाना चाहिए, ये सब का प्रशिक्षण उन्हें कराया जाता था। उसके बाद उन्हें जो है उस स्तर पर भेजकर बच्चों को पाठन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता था। तो किसके समान उन्होंने कहा था, इंग्लैंड के समान। इंग्लैंड के समान भारत में भी प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया उच्च स्तर पर सही ढंग से इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। इसलिए जो है उन्होंने ये प्रशिक्षण जो है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का मांग उस पत्र में रखा था। अब आता है हमारा जो है व्यावसायिक शिक्षा। अच्छा, व्यावसायिक शिक्षा पर भी उन्होंने जो है बोर्ड के घोषणा पत्र में लिखा गया था 1854 में, क्या था, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। इसमें भी इन्होंने इस पत्र में सिफारिश किया था व्यावसायिक शिक्षा, मतलब बिजनेस को बोलते हैं कि अगला जैसे बिजनेस करने जा रहा है तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, अध्यापकों को मतलब अध्यापकों में सॉरी व्यवसाय करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए कि हमको हमें किस क्षेत्र में बिजनेस करना है, अब बिजनेस करने का ढंग क्या होना चाहिए और उसमें हमें कैसे हानि होगा, कैसे लाभ होगा, इसके बारे में उन्होंने शिक्षा देने की सिफारिश की थी। और उस पत्र में इस पर जो है उन्होंने बताया था कि किस किस बिंदु पर या किस बिजनेस में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। तो इसके बारे में इन्होंने कहा था कि घोषणा पत्र में इस बात की सिफारिश की गई कि जनता को विभिन्न उद्योग धंधे का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशिक्षण करने के लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय विभिन्न पेशाओं की शिक्षा प्राप्त कर सके। कहने का मतलब ये है कि व्यावसायिक शिक्षा का भी शिक्षण होना चाहिए उन्हें, मतलब उन्हें शिक्षा देना चाहिए जिससे कि उद्योग धंधा को सही ढंग से कर सके। उन्हें पता नहीं, हम किसी भी बिजनेस को करने चलते हैं तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इसमें हमें आगे बेनिफिट क्या होगा या इसमें हमें लॉस क्या होगा, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी बिजनेस या उद्योग धंधे को सही ढंग से कर सकेंगे। इसके लिए भी उन्होंने सिफारिश किया कि जो भारतीय लोग हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा का भी जो है साधन उन्हें देना चाहिए, इसका प्रशिक्षण उन्हें कराना चाहिए, शिक्षण होगा तभी वो आगे चलकर जो है अपने बेरोजगारी को रोजगार में बदल सकेंगे। इसके लिए भी जो है उनके घोषणा पत्र में जो है सिफारिश किया गया था 1854 के, उन्होंने जो सिफारिश किया था उसके बारे में शिक्षा के लिए भी, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा था कि देश की फैली बेरोजगारी को दूर करने में यह एक सफल जो है साधन जो है साबित हो सकेगा, इसके बारे में उन्होंने सिफारिश किया था। अब आता है हमारा जो बिंदु है वो है स्त्री शिक्षा है। कौन सी स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने उस घोषणा पत्र में जो है उनके घोषणा पत्र में सिफारिश किया गया था, कौन सी स्त्री शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा, इसमें स्त्रियों को शिक्षा देने की बात उन्होंने कही थी। इस पर सिफारिश भी किया था कि हमें किस प्रकार से स्त्रियों को, भारतीय स्त्रियों को शिक्षा देना चाहिए जिससे कि उनका भी भविष्य सुधर सके, वो भी अपने अस्तित्व अपने महत्व को जान सके और उनका अधिकार क्या है इसके बारे में भी शिक्षा के माध्यम से उन्हें जानकारी दिया जा सके, जिससे कि वो भी अपने जीवन को सही ढंग से जीने के तरीकों को समझ सके, इसके बारे में भी उन्होंने सिफारिश किया था। तो घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। भारत में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई कि कुछ भारतीय अपनी पुत्रियों को शिक्षित करना चाहते हैं। मतलब पहले क्या था ना, जो प्राचीन हो गया प्राचीन सभ्यता में या बौद्ध सभ्यता संस्कार की बात करें या मध्यकालीन शिक्षा
प्राप्त है। शिक्षा तो थी लेकिन माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर उन्हें जो है इसके लिए अलाउ नहीं किया गया था, इसके लिए नहीं कहा गया था कि स्त्री शिक्षा होगी। भारत में जो है स्त्री शिक्षा नहीं थी विशेष रूप से, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें सिफारिश किया और उनको जब ये चीज़ें मिला कि कुछ जानकारी मतलब होता है ना कि जाकर सर्वे करना गाँव गाँव, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मिले जिन्हों ये कहना था कि भारतीय जो है कुछ भारतीय ऐसे थे कि जो अपने पुत्रियों को शिक्षित करना चाहते थे। यह जानकारी मतलब ये बातें सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के भी बारे में सिफारिश किया था। फिर आता है हमारा जो है शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार पर भी उन्होंने सिफारिश किया था। शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार, इस पर भी उन्होंने क्या किया अपने पत्र में सिफारिश किया था। शिक्षा और रोजगार पर भी उन्होंने क्या किया सिफारिश किया। शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए घोषणा पत्र में ये भी चीजें समझाई गई जो है प्रदान किया जाए, मतलब व्यक्तियों को जो सरकारी व्यक्ति हैं, घोषणा पत्र में जहाँ तक संभव हो सके कि सरकारी पद जो सरकारी पद है वो किसे मिलना चाहिए जो है शिक्षित व्यक्ति को मिलना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति पढ़ लिख रहा है, जो शिक्षित है, उसी को क्या महत्व दिया जाए, उसी को सरकारी सरकारी पद दिया जाए। और उसके बाद जो है छोटे छोटे पदों के लिए भी साक्षर व्यक्ति को निरक्षर व्यक्ति से अधिक महत्व किया जाए। इस नीति को अपनाने से शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव स्वतः हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब उसमें जो सिफारिश किया गया था रोजगार के लिए, तो उन्होंने जो पत्र में सिफारिश किया था उनके कहने का मतलब जो शिक्षित व्यक्ति हों उन्हीं व्यक्ति को जो है इस सरकारी पद के लिए अलाउ किया जाए, और जो छोटे छोटे लोग साक्षर हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए उस पद के लिए, बल्कि जो निरक्षर हैं उनको कम महत्व दिया जाए। और जब वो ज़्यादा महत्व देखकर उनके भी अंदर ये झुकाव होगा कि हमें भी शिक्षित होना चाहिए, जिससे कि हम भी सरकारी पद के लिए जो है वो सरकारी पद के स्तर पर हम भी नियुक्त हो सके, इसके लिए वह शिक्षा प्राप्त करें। जैसे एक लालच होता है कि उन्होंने सरकारी पद का लालच देकर लोगों को शिक्षित करने की बात उसमें जो है सिफारिश किया था। अब फिर आता है हमारा राष्ट्रीय भाषाओं में पुस्तकों का जो है प्रकाशन, राष्ट्रीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन, विशेष रूप से बल दिया कि भारतीय भाषाओं में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का अनुवाद करना आवश्यक है। अतः नवीन पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में प्रकाशन करवाया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका भी प्रकाशन उसमें होना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने जो है अपने पत्र में जो है सिफारिश किया था। अब आता है शिक्षा में
शिक्षा में निरपेक्षता पर भी उन्होंने जो है सिफारिश घोषणा पत्र में लिखा था। तो इस पर क्या लिखा था उन्होंने कि आज्ञा पत्र में स्पष्ट कर दिया कि सरकारी सहायता केवल धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं को ही प्रदान की जाएगी। सरकारी निरीक्षकों का कर्तव्य है कि वे विद्यालय में होने वाली धार्मिक कक्षाओं का निरीक्षण करने का प्रयत्न न करें। विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का प्रबंध पढ़ाई के बाद की किया जाए तो उचित होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई तो उसमें इन्होंने घोषणा पत्र में जैसे अलग अलग धर्मों की बात होती थी कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, बौद्ध अपने करते थे, प्राचीन अपना करता था, मध्यकालीन अपना करता था, तो उसमें जो है अंग्रेजी अपनी भाषा का ही महत्व देता था। लेकिन इन्होंने सीधे से कहा कि शिक्षा में जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, ये धर्मनिरपेक्षता का जो ज्ञान है शिक्षा है, वह शिक्षा जो है पढ़ाई के बाद इस विद्यालय में स्कूल में पढ़ाई होने के बाद धर्म की बात की जाए या धर्म के बारे में बताया जाए तो यह विद्यालय में उचित होगा और इससे लोगों में जो है एकता की भावना होगी। इसमें जो एक दूसरे के धर्म के बुराइयां करते थे वो बुराइयां खत्म हो जाएंगी और सब एक साथ, मतलब जन शिक्षा का मतलब है कि सभी जाति सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों को एक साथ एक स्थान पर बैठकर शिक्षा देने की बात होती थी, तो वही उनके घोषणा पत्र में भी लिखा गया था कि शिक्षा में निरपेक्षता की बात कही गई थी कि धर्म की बात तब किया जाए जब विद्यालय में शिक्षा समाप्त हो जाए, मतलब पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद धर्म की बातें बताया जाए तो वह उचित होगा सभी छात्रों के लिए या बालकों के लिए, यह शिक्षक के लिए भी उचित होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो है 14 सिफारिश जो है अपने उपयुक्त घोषणा पत्र में 1854 में उन्होंने जो है कंपनी में आज्ञा पत्र में डाला था। तो हमने बता दिया 54 थे, 54 में कौन कौन थे, शिक्षा का उद्देश्य था, पाठ्य विषय था, शिक्षा का माध्यम था, उसके बाद जो है जन शिक्षा विभाग था और विश्वविद्यालय था, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना थी और अनुदान सहयोग अनुदान था और अध्यापकों का प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शिक्षा और रोजगार, राष्ट्रभाषाओं की पुस्तकों में प्रकाशन और शिक्षा में निरपेक्षता की बात उन्होंने पत्र में अपने पत्र में जो है सिफारिश किया था। शिक्षा को उचित ढंग से एक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक और उच्च स्तर पर देने के लिए उन्होंने इन सारे जो है बिंदुओं पर सिफारिश किया था। तो ये हमारा जो है आज सिफारिश के बारे में हमने बताया। अब हम आपको जो है घोषणा पत्र का मूल्यांकन बताएंगे, उस मूल्यांकन में गुण और दोष के बारे में जो है आपको हम बताएंगे कितने गुण थे और कितने दोष थे। तो गुण और दोष सम्य होता है, ऐसा नहीं है कि गुण है तो दोष में नहीं होगा, ठीक। हाँ, तो आपको जो है हम गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे घोषणा पत्र का मूल्यांकन जो किया गया जब कमेटी बैठाई थी, कमीशन बैठा, तो उसमें जो है जो सिफारिश उन्होंने किया था उसके क्या गुण थे क्या दोष थे उसके बारे में भी मूल्यांकन जो है कमेटियों के द्वारा कंपनी जो बनाई गई थी आज्ञा पत्र में जब पढ़ा गया तो उसका मूल्यांकन किया गया कि इसमें क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो हम गुण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपको हम उसके दोष के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला गुण क्या है कि भारतीय शिक्षा के अंत तक चली आ रही क्या भारतीय शिक्षा के अंत तक चली आ रही निश्चित काल में
मिश्रित काल में बदलने के महत्वपूर्ण योगदान रहा। अनिश्चित नीति को निश्चित नीति में करें, काल में निश्चित करके निश्चित अनिश्चित नीति को दूसरा पत्र में निश्चित नीति को तो घोषणा पत्र में घोषणा घोषणा पत्र में निश्चित निश्चित करके शिक्षा के विकास में निश्चित करके निश्चित करके शिक्षा के विकास में शिक्षा के विकास में अपूर्व अपूर्व योग दिया। मतलब ये पहला गोल था। उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के अंत तक चली आ रही अनिश्चित नीति को घोषणा पत्र में निश्चित करके शिक्षा के विकास में अपूर्व योगदान दिया। ये पहला गोल था। जो जो है मैकाले से 1813 से लेकर 1833 से लेकर 1853 तक की जो 20 वर्षों में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन कैसे थी शिक्षा के बारे में? अनिश्चित नीति थी, उसमें कोई शिक्षा का कोई निश्चित नीति बनाया ही नहीं गया। वो अनिश्चित काल में चलता रहा, उसमें 20 वर्षों में परिवर्तन होता रहा, लेकिन वह निश्चित शिक्षा नहीं हुआ। लेकिन उनका जब घोषणा पत्र हुआ, उसका मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन में शिक्षा को अनिश्चित नीति को निश्चित करके शिक्षा के विकास में अपना आप जो है अपूर्व योग दिया। ये पहला गुण था। ठीक, अब हम दूसरा गुण आपको बताएंगे कि दूसरा गुण कौन सा है। दूसरा गुण हमारा है 1854 के पश्चात से ही शिक्षा के क्षेत्र में 1854 से ही शिक्षा के क्षेत्र में सॉरी इस घोषणा पत्र में इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि तो इस घोषणा पत्र में इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास में नवीन अध्याय जोड़ दिया। मतलब जो गुण था उसमें ये जो सिफारिश किया गया है, उस पत्र में ये कहा गया कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में नवीन अध्याय जोड़ दिया। उसके बाद अध्याय जोड़ दिया 1854 के पश्चात, मतलब पिछला जो 1813 से 33 चला था और 33 से जो है 53 चला, तो उसके पश्चात की बात, मतलब पिछला 1854 के पश्चात 1854 के पश्चात
से ही शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात से ही शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान को जो है नवीन युग का आरंभ होता है, नवीन ज्ञान का आरंभ होता है, नवीन युग आरंभ होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महा अधिकार पत्र कहा जाता है। इसी कारण भारत में अंग्रेजी अंग्रेजी महापत्र या महाअधिकार कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का इसी कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इन्हीं का मतलब इस घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में नवीन अध्याय जोड़ दिया और उसके बाद 1854 के पश्चात से ही शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग आरंभ होता है। मतलब 1854 के पश्चात वहीं से जो है 1854 लिखा गया, उसमें सिफारिश किया गया, तो वहीं से क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग आरंभ होता है। इसी कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है या कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो है दूसरा गुण था। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे उन्होंने गुण बताए थे, हम आगे और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी उन्होंने जो है मूल्यांकन करने में कई गुणों के बारे में उन्होंने बात किया था, उसके बाद दोष के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक, ओके, कहीं से भी कोई दिक्कत। हाँ, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो उन्होंने घोषणा पत्र का मूल्यांकन कर रहे थे, तो मूल्यांकन में जो उन्होंने गुण बताया, देखिए तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये भारतीय शिक्षा के बारे में या उनके सम्मानजनक बात जो है कर रहे थे। हमारे जो पत्र में गुण ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र में क्या किया, भारतीय शिक्षा के बारे में उन्होंने सम्मानजनक बातें की और ये भी बताया कि भारतीय शिक्षा भी होनी चाहिए और ये जितने भी उनके ग्रंथ हैं, धर्म हैं, ये सब चीज़ें गलत नहीं हैं जो कि दूसरे देश से आकर जो है राज्य कर रहे हैं और राज्य करने के बाद जो है वहाँ के संस्कारों की या वहाँ के नैतिक और वहाँ के धार्मिक चीज़ों पर जो है उसका जो है मजाक उड़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का जो है उन्होंने इसमें जो है सिफारिश में कहा कि इस चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अब बहुत दिन तक ये नहीं चलने वाला है, यहाँ के भी लोगों को वो सम्मान देना चाहिए और उनका अधिकार है उन देश में, कि उनका जो देश है उस पर हम अधिकार तो जरूर किए हैं, लेकिन इस अधिकार से नहीं कह सकते कि हम पूरा अपना अधिकार जमाएँ। उन्होंने कहा कि साथ साथ अगर हम चल रहे हैं तो इनमें जो है भारतीय शिक्षा को शामिल किया जाए और उनके शिक्षा को सम्मान दिया जाए और उनको भी उस योग्य बनाया जाए कि वो भी अपने परिवार का रोजगार चला सकें और व्यवसाय कर सकें, अच्छे से जीवन यापन कर सकें। इसके लिए उन्हें हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान
कर्तव्य है इसके बारे में जो है उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार जो है हम अगली वीडियो में आपको